हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल SST मोटर्स पर। और आज आपके सामने आ गई है एक बहुत ही प्यारी गाड़ी MG कॉमेंट EV। भाई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की ये एक बहुत ही अच्छी मिसाल है, जिसमें आपको बहुत अच्छे खासे फीचर और बहुत अच्छी रेंज मिल जाती है। प्राइस की भी बात करूँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा एक एक करके क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। और कलर देख रहे हो भाई गाड़ी का, ऐसा कलर भाई बहुत ही कम देखने को, बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलता है। एप्पल ग्रीन और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ ड्यूल टोन होने वाली है। टॉप एंड वेरिएंट है कॉमेंट EV का। ये सारी चीज़ें बताऊँगा एक एक करके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही नई नई वीडियो को देखने के लिए। भाई इतनी प्यारी गाड़ी है, तो सबसे पहला आ जाते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल पे। तो फ्रंट प्रोफाइल में देखो, सबसे देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पूरा LED DRLs, जो कि बहुत ही गजब लगते हैं। उसके साथ साथ इसका जो ये लोगो है ना भाई, लोगो भी ब्लिंक करता है जब हम गाड़ी लॉक एंड अनलॉक करते हैं, तो ये भी ग्लो करता है, जलता है ये भी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इसका चार्जिंग पॉइंट फ्रंट में ही। आ जाते हैं इसके हेडलैम्प यूनिट पे, तो हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाते हैं पूरा ही LED सेटअप होने वाला है। यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है नीचे इंडिकेटर, नीचे मिलता है वह इंडिकेटर। और जो ये हमारा काम करता है DRLs का भी काम करता है जब इंडिकेटर ऑफ हो जाते हैं। उसके साथ साथ आ जाते हैं इसके नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है कुछ इस तरीके से। तो ओवरऑल ये हो जाती है कुछ इस तरीके से इसके फ्रंट प्रोफाइल कंप्लीट। विड्थ आपको मिल जाती है 1505 1505 mm। और हाइट की बात करते हैं तो हाइट मिल जाती है 1645 1645 mm। तो ओवरऑल ये होगी कुछ इस तरीके से फ्रंट प्रोफाइल कंप्लीट। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो साइड प्रोफाइल मिलने वाली है कुछ इस तरीके से। भाई क्या बात है भाई, कंपनी जो कहती है इसको बिग इनसाइड और कॉम्पैक्ट आउटसाइड, मतलब अंदर से स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है लेकिन बाहर आपको देखने में छोटी लगती है गाड़ी। तो ओवरऑल इसके वॉल्यूम की अगर बात करते हैं, तो 10 इंडिकेटर आपको देखने मिल जाता है वॉल्यूम पे, पूरा ही ब्लैक होने वाले हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड आपको मैनुअली ही करने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। मैं एक बार करा के दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, और उसके साथ साथ कुछ इस तरीके का ये आपको क्वार्टर ग्लास मिल जाता है फ्रंट साइड में। आ जाते हैं इसके टायर्स पे, तो प्रोफाइल होने वाली है 145/70R12, मतलब छोटे छोटे टायर मिल जाते हैं 12 इंच के आपको स्टीलियम के साथ। C8 के टायर आपको देखने को मिल जाते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है इन टायर्स में। और उसके साथ साथ आ जाते हैं यहाँ पे, तो डोर हैंडल्स आपको क्रोम फिनिश के साथ, रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाती है आपको इलेक्ट्रॉनिक की बैजिंग। भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो ये तो बेसिकली आपको बैजिंग मिलने ही वाली है। ए पिलर पूरा ब्लैक्ड आउट, बी पिलर ब्लैक्ड आउट, सी पिलर पूरा ब्लैक्ड आउट, मतलब बॉडी कलर ही आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी, कोई और कलर आपको इसमें देखने को नहीं मिलने वाला है। क्रोम का काम, डार्क क्रोम का काम आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। लेंथ अगर बताऊँ तो आपको मिल जाती है 2974 2974 mm की। वहीं व्हील बेस की अगर बात करते हैं तो 2010 2010 mm की आपको व्हील बेस देखने को मिल जाता है। ओवरऑल ऐसे हो जाती है कंप्लीट पूरी अपनी साइड प्रोफाइल। चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल पे, तो रियर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। कलर तो भाई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है ही, उसके साथ साथ चीज़ें जो इसके अंदर आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं वो भी नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले ऊपर से बात करते हैं तो हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इसका ये एंटीना, कोई भी डिफॉगर या वाइपर आपको देखने को नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं पूरे कनेक्ट आपको टेल लैम्प, जो कि भाई ट्रेंडिंग में है आजकल। उसके साथ साथ नीचे अगर टेल लैम्प की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा ही LED सेटअप आपको देखने को मिलने वाला है। नीचे कुछ इस तरीके से वर्टिकली आपको मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर। उसके साथ साथ बीच में मिल जाती है MG की बैजिंग, कॉमेंट की बैजिंग, इंटरनेट इनसाइड आपको देखने को मिल जाता है, EV की बैजिंग उधर आपको देखने को मिलने वाली है। रिवर्स पार्किंग सेंसर की अगर बात करते हैं तो 1-2 पॉइंट आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से एक और लैम्प। बॉडी कलर्ड आपको बम्पर देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल आ जाते हैं इधर की तरफ, तो इधर तो बिल्कुल बेसिकली उधर की तरफ, उधर की साइड की तरफ आपको देखने को मिलने वाला है प्रोफाइल। तो ओवरऑल ये तो होगी एक्सटीरियर के बारे में बात। चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, तो इंटीरियर में कैसे आपको देखने को मिल जाती है गाड़ी। भाई देखो प्रोफाइल जो होने वाली है ना भाई, लुक बहुत गजब आपको देखने को मिलने वाला है। उसके साथ साथ चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, वीडियो को जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है। उसके साथ साथ आगे MG की और भी गाड़ियों की वीडियोस आएंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी नई नई वीडियो को देखने के लिए। ग्लॉस्टर की लेके आऊँगा, एस्टर की, हेक्टर, सारी ही गाड़ियों की वीडियोज़ आने वाली हैं अपने चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उसके साथ साथ डोर देखो आप, डोर कितना बड़ा आपको देखने को मिल जाता है। विंडो एरिया बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। विजिबिलिटी
सिटी अंदर जब बैठते हैं ना तो गाड़ी के बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है, साइड से फ्रंट से विजिबिलिटी बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। इंटीरियर के कलर की अगर बात करते हैं तो स्पेस ग्रे कलर कंपनी ने यूज़ किया है जो कि बहुत खिला खिला सा आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है क्रोम फिनिश के साथ डोर लीवर, यहाँ पर आपको व्हाइट कलर देखने को मिल जाता है। ट्विटर स्पीकर टोटल आपको इसमें मिल जाते हैं 4 स्पीकर, 2 फ्रंट में स्पीकर हैं और 2 ही आपको ट्विटर देखने को मिल जाते हैं। पूरा ये वाला जो होने वाला है पूरा पोर्शन सॉफ्ट टच आपको देखने को मिल जाता है। ये पूरा व्हाइट कलर का ग्रैप हैंडल देखने को मिल जाएगा। बॉटल होल्डर देखो कितना बड़ा भाई, इसमें तो बहुत सारी बॉटल आ जाएंगी जितनी तो आदमी पी भी नहीं पाएगा अपने एक सफ़र में। उसके साथ साथ आ जाते हैं सीट्स पे, तो सीट्स अगर मैं बताऊँ आपको तो मिल जाती हैं कुछ इस तरीके से, फैब्रिक सीट्स होने वाली। एक बार टिकटॉक को ऑफ कर देते हैं और इसके हेडलैम्प को भी ऑफ कर देते हैं। तो सीट्स की मैं बात कर रहा था, सीट्स आपको मिल जाती हैं फैब्रिक। अंडर थाई सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो भाइयों 1-2 अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट मिलने वाला है। सिटी के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल आपको मिलने वाली है सीट्स। उसके साथ साथ ये देख रहे हो स्पोर्ट्स लुक आपको देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करते हैं इसके एडजस्टमेंट की तो यहाँ पर आपको रेक्लाइनिंग करने के लिए मिल जाता है और पीछे की सीट्स में जाने के लिए भी आपको यहीं से जाना पड़ेगा क्योंकि 2 ही दरवाजे आपको देखने को मिलते हैं गाड़ी के अंदर। उसके साथ साथ फिक्स आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। बैठते हैं गाड़ी के अंदर फिर बताऊँगा इसके बारे में और चीज़ें क्या क्या आपको देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले देखो भाई कितना प्रीमियम सा आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है गाड़ी का। ये भाई दरवाज़ा जो होने वाला है, देखो विजिबिलिटी अगर मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। विजिबिलिटी को लेकर कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, मतलब खुली खुली सी गाड़ी लगती है, ऐसा नहीं है कि पैक है बिल्कुल गाड़ी। उसके साथ साथ आ जाते हैं स्टेयरिंग, तो लेदरेट आपको स्टेयरिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है, लेदरेट है, फ्लैट बॉटम तो नहीं है, बीच में एमजी का लोगो। कंट्रोल्स की अगर बात करते हैं तो ये आपको मिल जाते हैं एमआईडीओ कंट्रोल करने के लिए स्विचेस, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल। बीच में मिल जाता है आपको ईयरबैग, ईयरबैग 2 ईयरबैग आपको इसमें स्टैंडर्ड देखने को मिलने वाले हैं। करते हैं इसके एडजस्टमेंट की बात, तो आपको देखने को मिल जाता है कहाँ गया भाई, एक सेकंड देख तो लूँ। लो भाई देखो क्या बात है भाई, टिल्ट आपको देखने को मिल जाता है एडजस्टमेंट। उसके साथ साथ स्टॉक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑटोमेटिक है या नहीं है, नहीं, आपको मैनुअली हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं और मैनुअली आपको वाइपर देखने को मिल जाते हैं। अब वाइपर अभी मैं दोबारा दिखाऊंगा, वाइपर तो मैंने दिखाया नहीं है, इसके वाइपर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है जब बोनेट की बात करूंगा। वहीं अगर बात करते हैं इसके क्लस्टर की तो आपको मिल जाता है 10.25 इंच का फुली कलर्ड डिस्प्ले जो कि आने वाली है भाई कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको मिलती रहेगी इन्फॉर्मेशन सारी, बैटरी, किलोमीटर, स्पीड वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी भाई। टेलीमेटिक फीचर भी अच्छे खासे मिल जाते हैं सारे ही। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको रेंज मिल जाएगी, आपको मोड मिल जाएगा स्पोर्ट्स वगैरह का। आ जाते हैं इधर की तरफ तो आपको ये मिल जाता है 10.25 इंच का, ये भी होने वाला है 10.25 इंच, ये भी होने वाला है। म्यूजिक सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ, वो भी वायरलेस। उसके साथ साथ इंटरफेस की अगर मैं बात करूं तो आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से, देखो क्या बात है भाई, पूरा एंड्रॉयड सिस्टम सा आपको देखने को मिल जाता है जिसमें सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मैंने बता ही दिया है। उसके साथ साथ क्लाइमेट कंट्रोल की अगर बात करते हैं तो नीचे मिल जाता है मैनुअली क्लाइमेट कंट्रोल जो कि होने वाला है कुछ इस तरीके से, इसको एक बार ऑफ कर देते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके एसी विंड्स, क्रोम का अच्छा खासा काम आपको देखने को मिल जाता है एसी विंड्स में। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको पूरा सॉफ्ट टच, यहाँ पर आपको कप होल्डर मिल जाते हैं एक इधर और एक इधर, हाँ इधर आ गए तो इधर बात कर लेते हैं इसके कीज की। भाई जैसी गाड़ी है वैसी ही इसकी कीज भी है भाई, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कीज हैं। एमजी का लोगो मिल जाएगा, 3 बटन होने वाले हैं लॉक, अनलॉक एंड बूट रिलीज करने के लिए। भाई कीलेस एंट्री है इस गाड़ी के अंदर, मतलब इतनी छोटी गाड़ी में इतने सारे फीचर कैसे दिए जाते हैं वो कोई एमजी से सीखे। यहाँ के कुछ तरीके एसीवेंट्स, क्रोम का काम मिल जाएगा, मतलब क्रोम जो है ना व्हाइट कलर में एकदम निखर के आ रही है। उसके साथ साथ ऊपर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा ड्राइवर साइड, या आपको मिल जाता है कैबिन लैंप जो कि ये भी एलईडी होने वाला है। भाई डे नाइट आपको IRVMD मिल जाएगा जो कि मैनुअली होने वाला है। यहां पर आपको यहां पे भी मिल जाता है भाई वैनिटी मिरर। उसके साथ साथ और क्या चीजें रहेगी भाई, पूरा डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है अपनी प्रोफाइल। उसके साथ साथ यहां की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं मोड्स भाई, ड्राइवर, रिवर्स और न्यूट्रल आपको देखने को मिल जाता है। ये चार्जिंग के लिए दोनों ही विंडो आपको मिल जाती हैं पावर्ड, जो कि आपको 1 टच डाउन का फीचर मिल जाता है ड्राइवर साइड कुछ इस तरीके से। सिल्वर ग्लॉसी फिनिश के साथ मिल जाती है आपको गियर नॉब। उसके साथ साथ ओवरऑल हो जाती है पूरी प्रोफाइल कम्प्लीट फ्रंट से। चलते हैं इसके रियर सीटिंग की तरफ, तो रियर सीटिंग में क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है एक बार ना पीछे की तरफ जाने के लिए हमें
ये वाली सीट जो है ना आगे करनी पड़ेगी। देखो कैसे, पहले करते हैं इसको यहाँ से आगे, ये सीट मैंने आगे कर ली है, उसके बाद इसको करते हैं यहाँ से रिक्लाइनर। उसके बाद देखो कितना स्पेस मिल जाता है, मतलब जाने के लिए, बैठने के लिए, उतरने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब करते हैं बात इसमें पीछे के सपोर्टिंग की, मतलब अंडर थाई सपोर्ट, हेडरूम ने, देखो भाई बहुत अच्छा, मतलब कम्फर्टेबली सिटी के हिसाब से तो भाई चार बंदे कम्फर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। देखो नी रूम देखो भाई, उसके साथ साथ हेडरूम दिखाऊं, हेडरूम देखोगे तो हेडरूम भी आपको अच्छा खासा, देखो अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ भाई मैं कंफर्टेबली बैठता हूँ और चार बंदे तो कंफर्टेबली बैठ के इसमें राइड कर सकते हैं, नो डाउट। उसके साथ साथ चलते हैं इसके बूट की तरफ। पीछे कोई भी आपको चार्जिंग पॉइंट वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल वगैरह दोनों साइड मिल जाते हैं, सीट बेल्ट आपको दोनों चारों पैसेंजर के लिए मिल जाती है। उसके साथ साथ चलते हैं इसके पीछे की तरफ, तो पीछे क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है इसको रहन देते हैं ऐसे ही। बूट की अगर बात करते हैं तो बूट में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भाइयों ये देखो अपने स्टॉप लैंप जल गए हैं। यहीं पर अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे चार्जर वगैरह, छोटे मोटे बैग वगैरह आ सकते हैं बूट में। वहीं अगर आपको बूट स्पेस बढ़ाना है तो इन सीट को आप फोल्ड भी कर सकते हो, जो कि होने वाले हैं 50-50, दोनों ही आप सीट फोल्ड कर सकते हो या एक पर्सन को बिठा करके आप अनफोल्ड भी कर सकते हो। ओवरऑल ये तो होगी यहाँ की बात, देखो इसको कर देते हैं यहाँ से बंद। ओवरऑल चलते हैं इसके बोनेट की तरफ, तो बोनेट में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सीट्स को सही कर दूं, ये यहाँ से देखो ये मिल जाता है, एक दो दो बार आपको खोलना पड़ता है बोनेट, तब जाके इसका बोनेट ओपन होता है। उसके साथ साथ आ जाते हैं इसके बोनेट की तरफ। हाँ मैं वाइपर की अगर बात बताऊँ तो वाइपर देखो आपको लग्जरी जो गाड़ियों में मिलते हैं ना उसी तरीके के वाइपर मिल जाते हैं, एक बड़ा है हालाँकि एक छोटा आपको देखने को मिल जाता है। आ जाते हैं बोनेट पे, तो बोनेट आपको मिल जाता है ये भाई छोटा सा, क्या बात है भाई इतना छोटा आपको बोनेट मिल जाता है। अगर बात करते हैं यहाँ पे तो आपको मिल जाता है इसके ब्रेक ऑयल और वाइपर के लिए जो पानी यूज़ होता है उसके लिए यहाँ पे आपको पूरी बैटरी वगैरह मिल जाएगी। नीचे आपको मोटर मिल जाती है जो कि ये ऑरेंज कलर की वायरिंग, आप जहाँ भी देखो ना तो समझ जाओ कि इलेक्ट्रिक होने वाली है गाड़ी। उसके साथ साथ कर देते हैं इसको बंद, लो भाई ये होगी पूरी कम्प्लीट। उसके साथ साथ अब बात करते हैं इसके कीमत की, तो कीमत आपको क्या देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं एक्स शोरूम तो 9,98,000, 9,98,000 रुपये एक्स शोरूम है। वहीं अगर ऑन रोड की बात करते हैं तो आपको ये देहरादून उत्तराखंड में मिल जाती है गाड़ी 10,28,000 रुपये की, क्या बात है भाई प्राइस भी अच्छा खासा होने वाला है, लेकिन भाई फीचर भी हैं। और अगर बात करते हैं इसके बैटरी की और रेंज की, तो भाई रेंज मिल जाती है आपको सिंगल चार्ज पे 230 किलोमीटर की कंपनी क्लेम करती है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बताऊं मोटा मोटा 200 किलोमीटर तो आप आराम से ट्रेवल कर सकते हो इस गाड़ी के साथ। और वहीं अगर बात करते हैं इसके बैटरी पावर की, तो 7.13 किलोवाट आवर की आपको बैटरी मिल जाती है। वहीं अगर मोटर की बात करते हैं तो मोटर आपको मिल जाती है परमानेंट मैग्नेट की, जो मोटरें यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में वही आपको देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बात करते हैं इसके वारंटी की, तो वारंटी आपको मिल जाती है बैटरी की जो होने वाली है 8 साल 1,00,000 किलोमीटर। और वहीं मोटर की बात करते हैं तो 3 साल की आपको वारंटी मिल जाती है। ओवरऑल सारी चीज़ें बता दी, सारी चीज़ें कवर कर लिए, वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही नई नई वीडियो को देखने के लिए। MG की और भी वीडियोस लेके आऊँगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करना, थोड़ा सा सपोर्ट करना अपने भाई को ऐसी ही नई नई वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।